आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हम इस वीडियो में वायु के बारे में जानेंगे। वसंत का मौसम सभी को कितना पसंद है, या गर्मी में ठंडी हवा चले तो सबको कितना अच्छा लगता है। ये हवा वायु क्या होता है, क्या आप इसे देख सकते हैं? नहीं, पर हाँ आप इसे महसूस कर सकते हैं। क्या वायु केवल महसूस करने की चीज है और इसका और भी कोई महत्व है? जी हाँ, वायु में बहुत सारी गैसेस होती हैं, जो सभी जीवित प्राणियों के लिए जरूरी होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, जो जीवित प्राणियों के श्वसन के लिए जरूरी है और ये ज्वलन के लिए भी जरूरी है, और कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको पता है, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना खाना बनाते हैं और समुद्री जानवर इसकी मदद से अपना कवच भी बनाते हैं। ये वायु पृथ्वी को कुछ इस तरह ढककर रखता है जिसे वायुमंडल कहते हैं। क्या आपको पता है वायुमंडल पृथ्वी के लिए कितना जरूरी है? ये जलवायु को नियंत्रण करने में सहायता करता है। ऐसा कैसे होता है, चलिए देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि वायु ऊष्मा का कुचालक है? इसीलिए दिन के समय वायुमंडल सूर्य से आती ऊष्मा के कारण तापमान नहीं बढ़ने देता, और रात के समय ऊष्मा को बाहर वायुमंडल में अंतरिक्ष में जाने से रोकता है। इसी तरह वायुमंडल पृथ्वी पर तापमान बनाए रखता है। आपने कभी यह सोचा कि ठंडी हवा या कभी कभी आंधी तूफान कैसे आते हैं? चलिए इसको समझने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं। आप दो बीकर लीजिए, एक का नाम ए और दूसरे का बी दे दें, और ए में पानी और बी में बालू डालिए। फिर दोनों बीकर में थर्मामीटर लगा दीजिए और इन दोनों बीकर को सूरज की रोशनी में छोड़ दीजिए। अब आप दोनों बीकर में तापमान देखिए, क्या दोनों थर्मामीटर में समान तापमान है? नहीं, बी का तापमान ए से ज्यादा है। इसका मतलब बालू पानी से जल्दी गर्म हो जाता है। पर अगर बीकर को रूम में रख दें तब क्या होगा, देखते हैं। क्या आपको अब थर्मामीटर में समान तापमान दिख रहा है? बिल्कुल सही, बीकर बी का तापमान कम है। इसका मतलब है बालू पानी से जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो दोस्तों, क्या आप कुछ समझ पा रहे हैं? ऐसा ही तटीय क्षेत्र यानी कि कोस्टल रीजन में होता है। तटीय क्षेत्र में दिन के समय स्थल धूप के कारण समुद्र से पहले गर्म हो जाता है। इसी वजह से स्थल के ऊपर की वायु भी पहले गर्म हो जाती है, और यह गर्म वायु ऊपर की ओर जाने लगती है और समुद्र के ऊपर की ठंडी हवा स्थल की तरफ आने लगती है। ऐसा ही रात के समय होता है। स्थल समुद्र के पानी से जल्दी ठंडा हो जाता है और समुद्र के ऊपर की गर्म हवा ऊपर जाने लगती है और स्थल के ऊपर की ठंडी हवा समुद्र की तरफ बहने लगती है। तो दोस्तों, अब आपको वायु की गति समझ में आई, कैसे आसमान ताप के कारण पवने चलती है। अब दोस्तों, क्या आपको पता है वायु की वजह से बारिश भी होती है? कैसे, सोचो सोचो, चलिए देखते हैं कैसे। दिन के समय धूप की वजह से जलीय भाग जल वाष्प में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। पर यह जल वाष्प आसमान में कैसे चले जाते हैं, सोचिए। दरअसल दिन के समय धूप के कारण वायु भी गर्म हो जाती है और गर्म वायु हमेशा ऊपर जाती है। इसी गर्म वायु के साथ जल वाष्प मिल जाते हैं और आसमान में चले जाते हैं। ऊपर धूल के कण और दूसरे निलंबित कणों के साथ मिलकर बादल बनाते हैं। ऊपर तापमान कम होता है जिसकी वजह से ये जल वाष्प ठंडे होने लगते हैं और पानी की बूंदें बनाते हैं। ये छोटी छोटी बूंदें जब एक दूसरे से मिलती हैं तो भारी हो जाती हैं और भारी होने की वजह से नीचे गिरने लगती हैं, जिसे हम वर्षा कहते हैं। कई बार तापमान के ज्यादा कम होने से ओले या बर्फ भी गिरती है। दोस्तों, आपने देखा वायु कितनी जरूरी है सभी के लिए। पर क्या होगा अगर वायु प्रदूषित होने लगे? वायु प्रदूषण की वजह से कितनी परेशानियां हो रही हैं, जैसे हृदय रोग, कैंसर, फेफड़े की बीमारी, वैश्विक तापमान
जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, आदि। वायु कैसे प्रदूषित हो रही है, क्या आपको पता है? वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है धुआं, जो गाड़ी और कारखानों से निकलता है, ईंधन का जलना। इन सभी के कारण वायु में सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हानिकारक गैस मिल रहे हैं और वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। क्या इसे रोका जा सकता है? जी हां, वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है, पर कैसे, आइए जानते हैं। जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करके, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके, अधिक से अधिक पेड़ लगाकर और ऊर्जा की बचत करने वाले उपकरणों का उपयोग करके वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। इस वीडियो में आपने क्या सब देखा? वायु, वायु का महत्व और वायु प्रदूषण।